करने वाली संस्था अल फलाह फाउंडेशन ब्लड डोनेट ग्रुप ने आज तीसरा स्थापना दिवस बेहतरीन स्वभाव दिवस के तौर पर धूमधाम से मनाया। 3 वर्ष की अवधि में 408 रोगियों को मुफ्त रक्त उपलब्ध करा चुका है अल फलाह फाउंडेशन। आजमगढ़ 28 सितंबर रोगियों को मुफ्त रक्त उपलब्ध कराने वाली संस्था अल फलाह फाउंडेशन ब्लड डोनेट ग्रुप ने आज बड़ी धूमधाम से अपना तीसरा स्थापना दिवस बहुत बेहतरीन तरीके स्वभाव दिवस के तौर पर मनाया। इस अवसर पर जिले के माहुल निजामाबाद समेत मुख्य रूप से सरजपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। की तरफ से मुझे खुद दिक्कत नहीं आई क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और वो कॉम्प्रोमाइज और बातें हो जाती हैं, लेकिन लड़कों के साथ ये दिक्कत आती है और हम प्रशासन से अपील करेंगे कि अल फलाह फाउंडेशन ब्लड डोनेट ग्रुप को, एक शॉर्ट में बताऊँ, सलीम साहब है निगमा से, हाफिज़ सलीम साहब निगमा से, उनको एक बार 3,000 का फाइन देना पड़ा और वो ब्लड डोनेट करके बेचारे आ रहे थे और उनको 3,000 का फाइन देना पड़ा। तो ये प्रशासन को हम चाहेंगे, जो हमने थोड़ा सा कल भी हमने बात की थी कि हमें थोड़ा सा कॉपरेट करें, हम आईडी वाईडी को दिखा दें, या अभी जब तक आईडी नहीं बनी है तब तक एक हमारा कॉल हो, इतना वो कर दें कि भाई रात में 2 बजे ब्लड देने जा रहे हैं। वरना आजकल हमें क्या कर रहा है कि हमें ब्लड के लिए हमें गाड़ी रिजर्व करनी पड़ती है, अब वो संस्था पे बोझ और आ रहा है, इस वजह से बाइक से नहीं भेज पा रहे। इस वजह से अपने एरिया में लोग मतलब ब्लड के बारे में बता, ब्लड को लेके बहुत लोग मतलब गलत फहमियाँ भी रहती हैं कि खून देने से इंसान कमजोर हो जाता है, ये वो, ऐसा कुछ होता नहीं है। ब्लड देने से आपका नया ब्लड बनता है, बॉडी में अलग तरीके से एनर्जी प्रोवाइड होती है ब्लड देके। और हर इंसान को मतलब है जो मतलब हेल्थ, अगर कोई स्वस्थ है तो साल भर में 2 बार अपना ब्लड देना चाहिए उसको। सलमान भाई, क्या आपने भी कभी ये ब्लड दिया? जी जी, अजय मैं मतलब 2021 से मतलब ब्लड नहीं दिया क्योंकि हम लोग का साइकिल चलता रहता है, एज ए बॉडी बिल्डर लोगों का मतलब बॉडी में स्टार्ट जाता रहता है, तो वो मतलब किसी काम नहीं करता। अगर आप किसी को दे भी देंगे तो वो उसके लिए मतलब सही नहीं रहेगा। आप अगर ऑफ सीजन में हैं, ऑफ सीजन अगर बॉडी बिल्डिंग ऑफ सीजन में, तो उसमें आप फोन दे सकते हैं। हाँ, मैंने डोनेट किया 2020 से पहले, मैंने बहुत बार डोनेट किया। वो पॉजिटिव ब्लड है, बी पॉजिटिव ब्लड है, ए पॉजिटिव है। इस तरह के केसेस में ब्लड बैंक इसीलिए बना है कि ये सारे ग्रुप्स ब्लड बैंक में होते हैं। आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए। होता क्या है, लोग खुद डोनेट नहीं करते, वो डायरेक्ट हमारे पास कॉल कर देते हैं, क्योंकि हमें, हमारी मजबूरी क्या है कि हम लोगों की नाराज़गी से डरते हैं और हम लिहाज में पढ़कर हमें कराना पड़ता है। लेकिन हम इनसे अपील लोगों से करेंगे कि जब इस तरह के केसेस, पहले आप ब्लड बैंक में पता करिए और अपने परिवार से करवाइए, परिवार से करवाइए, दोस्तों से करवाइए, रिश्तेदारों से करवाइए। ना हो तो सिर्फ अल फलाह फाउंडेशन ने ना कभी इनकार किया है ना कभी इनकार करेगी, लेकिन वो पॉजिटिव जब ब्लड बैंक में है तो फिर आप परिवार से डोनेट करके ले सकते हैं। जो है नौजवानों से कोई अपील करेंगे? नौजवानों से अपील, बहुत ख़ास अपील है मेरी, स्वभाव दिवस है आज, बेहतरीन स्वभाव दिवस है, हुस्न अखलाक, योम हुस्न अखलाक हम अल फलाह फाउंडेशन मना रही है। हमारी अपील है कि हम तमाम लोग समाज में जितने भी किसी भी धर्म जाति के हों, सबसे पहली चीज़ कि हम गीबत से बचेंगे, हम किसी की शिकायत से बचेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आज ये इरादा हम करेंगे कि हम झूठ बोल, यहाँ से उठेंगे तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी की गीबत, किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम धोखाधड़ी नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे। ये यूथ से अपील और तमाम लोगों से हमारी अपील है कि अपने स्वभाव को अच्छा बनाए। और मैं समझता हूँ और हमारी पूरी टीम समझती है, यही समझती है कि अगर हमारा स्वभाव अच्छा हो गया तो ये जो पत्रकार भाइयों में खींचातानी या डॉक्टर्स लोगों में खींचातानी या दो भाइयों में खींचातानी, ये खींचातानी खत्म हो सकती है। और ये खींचातानी खत्म होगी तो इतनी आसानियां आपकी लाइफ में आ जाएगी कि आपकी ये क्या मकसद है। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का शुक्रिया जो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप लोग वक्त निकाले। और आज मैं यहाँ पर भगत सिंह की जयंती पर अल फलाह फ्रंट की तरफ से जो है जो यहाँ बेहतरीन स्वभाव दिवस का आयोजन हुआ है और रक्तदान जिसको महादान जीवन दान कहा जाता है, और ऐसे सवाल पर आज जो युवाओं ने जो एक मुहिम शुरू किया था उसको 3 साल हुए और 406 मरीजों का जो है
उससे जीवन बचा, उसके लिए हम जाकिर भाई नुमान साहब यहाँ बैठे तमाम साथियों का शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अगर रक्त जो है एक बहुत बड़ी जरूरत है इस देश में, और तमाम लोग जो है हम लोगों ने देखा कोरोना में या फिर डेंगू के पेशेंटों में तमाम लोग जो है रक्त की वजह से जो है वो जिंदगियां खो बैठते हैं। तो ऐसे में अल्फलाब का ये जो काम, अल्फलाब फाउंडेशन का ये जो काम है ये बहुत ही बड़ा काम है, और आने वाले दिनों में जो इस फाउंडेशन ने जो काम किया है इससे तमाम और लोगों को जो सीख मिलेगी और तमाम और युवा सामने आएंगे, और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज जगह जगह पर लोग इस बात पे बात करते हैं कि नहीं जाकिर भाई अल्फला के साथी लगातार हर जगह पर, मैं देखता हूं कि ब्लॉक तहसील स्तर पर इनके साथी लोग हैं जो कि रक्तदान करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सवालों को लेकर हमारा समाज में एक बहुत अच्छा अवेयरनेस का प्रोग्राम है, और ऐसे दौर में जब हमने देखा कि अभी कोरोना की महामारी थी, सरकारें पूरी तरह से विफल थी, जिस समय ऑक्सीजन से लेकर खून की बहुत ज़रूरत थी, उस समय में ऐसे ही युवा सामने आए और ऐसे युवाओं ने अपनी जिंदगियां भी खोई हैं, उनकी शहादत को भी हमें सलाम है, और क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत यही है आज वो